मैंने इसके मैग्नेट साइड के कवर को ओपन कर लिया है और यहाँ पे अगर देखें तो इस जगह पे आपको TF लिखा हुआ देखने को मिलेगा, यानी पिस्टन हमारा जो है टॉप फ्लोर पे आ चुका है। अब यहाँ से मेन कन्फ्यूजन शुरू होता है BS4 और BS6 का। हेलो मैकेनिक भाइयों, आज मेरे पास है होंडा एक्टिवा 6G BS6 FI वाली वेरियंट है। आप सभी मैकेनिक भाइयों को अच्छी तरह से पता होगा, मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था एडवांस टंबल फ्लो फ्यूल सिस्टम के बारे में कि इस BS6 की एक्टिवा सीरीज में फ्यूल की छिड़काव किस तरह से होता है, पंप कैसे काम करता है और साथ ही साथ इसके अंदर मैंने बताया था कि फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर से कैसे आप इसके पता कर सकते हैं कि प्रेशर फ्यूल का सही है या ख़राब। बट उस वीडियो में मैंने नोटिस किया कि काफ़ी ऐसे मैकेनिक भाई थे जो बता रहे थे कि इसके करंट सप्लाई के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाइए कि इस गाड़ी में कैसे कैसे करंट वर्क करता है। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए इसके फ्रंट के सारे पैनल को ओपन कर दिया है, साथ ही साथ इसके बैक साइड के भी पैनल को ओपन कर दिया है। आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप सभी मैकेनिक भाइयों को बताएंगे कि इस गाड़ी में करंट की सप्लाई जो होती है, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्पार्क कैसे जनरेट होता है और हमारी गाड़ी में अगर करंट की समस्या हो, गाड़ी में अगर करंट ना आए, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम करे, मिसिंग की प्रॉब्लम आए, तो किस तरह से आप इसकी कंप्लीट वायरिंग को टेस्ट कर सकते हैं, सेंसर और एक्चुएटर को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताएंगे। क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इसके अंदर पिकअप कॉइल अब कंपनी रिकमेंडेड आना बंद हो गया है, ऐड कर दिया है इसके अंदर CKP यानी क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, जिसके अंदर यहां पे जो 6 वायर कंप्लीट लगे हुए हैं। तो वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूं, आप लोग एंड तक बने रहिएगा, पूरी A to Z जानकारी देंगे कि करंट कैसे कैसे इसके अंदर फ्लो होता है और जब भी प्रॉब्लम आए तो क्या क्या चीज आपको चेक करना चाहिए। जब भी करंट की समस्या आती है तो सबसे पहले स्टेप में क्या चीज़ चेक करना चाहिए, इसके इग्निशन सिस्टम को, क्योंकि काफ़ी समय इग्निशन में जब प्रॉब्लम होता है फ्यूल पंप भी नहीं चलता और हमारी गाड़ी में जो करंट की सप्लाई भी नहीं होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्लैंप लगा हुआ है इसे यहाँ से रिमूव करेंगे और इसके इग्निशन सिस्टम को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो वही सेम स्टेप है जो और अदर गाड़ियों में आपने देखे होंगे कि 4 वायर लगे होते हैं, 2-2 वायर की मदद से इसे डायरेक्ट करना होता है। चलिए सबसे पहले स्टेप में हम इसे डायरेक्ट करते हैं, फिर दूसरा स्टेप इसके अंदर जो है स्कैनिंग करना होता है। इसके ECM को स्कैन करके हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या इसके सेंसर या एक्चुएटर में कोई खराबी है जिसके वजह से करंट नहीं आता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या, इग्निशन को डायरेक्ट करना है। तो दो तरह से डायरेक्ट करना है, एक वायर जो है लेंगे इसके फ्यूल सिस्टम के लिए और दूसरा इसके इग्निशन सिस्टम के लिए। ये देखिए एक वायर कुछ इस टाइप से डायरेक्ट किया मैंने और दूसरा वायर जस्ट इसके अपोजिट, और इग्निशन का कंप्लीट वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है। चलिए इसे हम डायरेक्ट कर लेते हैं और इसके दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए फ्यूल पंप और इग्निशन मेरा दोनों पूरी तरह से डायरेक्ट हो चुका है कि इग्निशन की में अगर खराबी हो तो यहाँ से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। चलिए अब चलते हैं इसके आगे, स्कैन करते हैं इसके ECU को और उसके बाद फॉल्ट कोड देखना पड़ता है। BS6 की जब भी आपके पास बाइक या स्कूटर आए, खासतौर पर एक्टिवा, तो उस कंडीशन में आप कोई भी चीज़ को टेस्ट करने से पहले इग्निशन को डायरेक्ट करें और इसके यहाँ पर जो है OBD लगाएं, ताकि आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, कुछ ही समय में ये पता कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी में क्या खराबी है, क्योंकि बहुत सारे सेंसर और एक्चुएटर लगे हुए हैं। अब इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं कि इसके अंदर दो तरह के स्कैनर उपयोग में लाएंगे, एक तो हमारा ये OBD2 ELM वाला स्कैनर और साथ ही साथ इसके हम उपयोग करेंगे डिजिटल स्कैनर भी, ताकि दोनों में से जो अच्छे से स्कैनिंग करेगा इसका और जो फॉल्ट कोड जनरेट करेगा उस हिसाब से इसके अंदर टेस्टिंग करेंगे। कनेक्टिविटी के लिए आपको बता दें ये जो ब्लैक कनेक्टर है इसके अंदर सूटेबल आ जाएगा। अब इसके अंदर एक रेड कलर का लाइट जलेगा जैसे इसके इग्निशन को मैं डायरेक्ट करूँगा, अभी मैंने ऑफ कर दिया ताकि बैटरी डिस्चार्ज ना हो। अब चलिए इसे ऑन कर लेते हैं और मोबाइल से कनेक्ट लेते हैं और साथ ही साथ आपको डिजिटल स्कैनर में भी दिखाएंगे कि दोनों में फॉल्ट कोड सेम रहता है या अलग अलग रहता है। और अगर किसी भी रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हैं, चाहिए यूनिवर्सल केबल हो, सिंगल OBD हो, डिजिटल स्कैनर हो, कुछ भी अगर आपको चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। फ्री होम डिलीवरी के साथ हम लोग कुरियर करवाते हैं। चलिए अब आप इसको कनेक्ट करके आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम हमारी गाड़ी में है क्या और कैसे कैसे टेस्ट करना है। अब इसके इग्निशन को डायरेक्ट किए यहाँ पे रेड कलर का सिंबल आना शुरू हो गया। अब नॉर्मल से हमें इसके टॉर्क प्रो एप्लीकेशन और बहुत सारे चीज़ें करना है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका है, इसमें आपका ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। OBD परफेक्टली तरीके से कनेक्ट हो चुका है, ग्रीन कलर का सिंबल जलता हुआ आपको दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम।
जैसे इसको यहाँ पे लगाएं, देखें P0201 पावर ट्रेन का दिख रहा है, यानी बैटरी डिस्चार्ज इशू, इंजेक्टर सर्किट साइलेंडर वन का एरर दिख रहा है। चलिए साथ ही साथ हम इसके अंदर डिजिटल स्कैनर भी लगाते हैं और उसके अंदर भी आपको दिखाते हैं कि क्या खास वर्क करता है कि नहीं, फिर इसके आगे के स्टेप बढ़ाते हैं। होंडा एक्टिवा 6G देखें, तो इसके अंदर हम कनेक्टिविटी लेने वाले हैं। अभी देखिए यहाँ कुछ नहीं है। चलिए इग्निशन को ऑन करते हैं। ये देखिए इग्निशन को कर दिया मैंने ऑन। अब सबसे पहले इसके एंटर वाले बटन को प्रेस करेंगे, वेट कर रहा है थोड़ा सा। ये देखिए क्या है, कोड फाउंड 0, यानी कोई भी इसके अंदर फॉल्ट नहीं। आप सभी मैकेनिक भाइयों ने देखा कि इसके अंदर OBD, ELM और डिजिटल स्कैनर दोनों का ही उपयोग करके सॉल्यूशन तक आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके इग्निशन सिस्टम के वायरिंग डायग्राम को समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसका वायरिंग डायग्राम वर्क करता है और एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से हो सकता है हमारी गाड़ी में। चलिए आपको मैग्नेट साइड ले चलते हैं और वहाँ से इसका टेस्टिंग प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से हमारी गाड़ी का करंट वर्क करता है और सॉल्यूशन उसका कैसे निकाल सकते हैं। मैंने इसके मैग्नेट साइड के कवर को ओपन कर लिया है और यहाँ पे अगर देखें तो इस जगह पे आपको TF लिखा हुआ देखने को मिलेगा, यानी पिस्टन हमारा जो है टॉप फ्लोर पे आ चुका है। अब यहाँ से मेन कन्फ्यूजन शुरू होता है BS4 और BS6 का, क्योंकि आपने जब इसे ओपन किया होगा तो नोटिस किया होगा कि यहाँ पे BS4 की गाड़ी में जो है पिकअप कॉइल लगा होता था, या फिर प्लशर कॉइल बोल सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो है BS6 की गाड़ी है। इसके अंदर जो है मैग्नेट के अंदर CKP यानी क्रैंक शाफ्ट पोजिशन सेंसर दिया हुआ है, जो मैग्नेट की रोटेशन और इसके मैग्नेट की गति और पिस्टन का क्या टॉप पे है या मिड पे है वो कंप्लीट इसका सिग्नल ECM को सेंस करके बताता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि जब हमारा CKP यानी क्रैंक शाफ्ट पोजिशन सेंसर खराब होगा तो कैसे उसे टेस्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उन दोनों का कंपैरिजन आपको करके दिखाते हैं, फिर इसकी टेस्टिंग को आपको बताते हैं। ये देखें, ये है इस गाड़ी का CKP कपलर यानी क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर के कपलर। अगर इसमें देखें तो विभिन्न प्रकार के 6 वायर अलग अलग कलर कोड में दिया हुआ है, और पिकअप कॉइल में क्या था, सिर्फ 2 वायर था, एक सिग्नल के लिए और दूसरा ग्राउंड। अगर देखा जाए इसके वायरिंग डायग्राम में तो CKP को लेकर कंपनी कहती है कि यहाँ पे आपको एक 6 पिन का कपलर देखने को मिलेगा, ये देखें, और 6 वायर इसके अंदर जॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आप समझ गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि अगर आपकी गाड़ी का CKP यानी क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर खराब हो गया तो मल्टीमीटर से आप कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि BS6 की स्पेशल ये कंप्लीट चैनल है और इसमें आप जब जुड़े हैं, सब्सक्राइब अगर किए हैं, तो आपको सिर्फ BS6 की ही नॉलेज 100% देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस कपलर को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये मैंने ओपन कर लिया है, अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। अब देखें, ये है हमारा इनपुट जो मैग्नेट साइड से आ रहा है और ये आउटपुट जो इसके ECM में जा रहा है। अब इसमें से इतने सारे वायर में हम चेक कौन से कलर में करेंगे, तो वो आपको मैंने वायरिंग डायग्राम के थ्रू बताया है। एक वायर हमारा रहेगा येल्लो प्लस ब्लू कलर, याद रखें कौन सा, येल्लो प्लस ब्लू कलर, और दूसरा जो वायर रहेगा ये ग्रीन कलर का ग्राउंड। अब इन दोनों में क्या रीडिंग आना चाहिए और मल्टीमीटर को कहाँ पर सेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर इसके हॉल अगर आप देखें, नोटिस करें इसके हॉल को, तो काफ़ी पतले पतले हॉल बने हुए हैं, जिसके अंदर ये शार्प हेड जो निडल बना हुआ है मल्टीमीटर प्रोब का, ये परफेक्टली तरीके से जाएगा नहीं। अब इसके लिए क्या किया मैंने, इसके वायर को कट कर लिया है मल्टीमीटर का, ताकि आपको परफेक्ट रीडिंग में शेयर कर सकूँ। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम 2000 ओहम पे लगाएंगे, कितना, 2000 ओहम पे। चलिए इसे हम 2000 ओहम पे सेट कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अब एक वायर जो हमें येल्लो प्लस ब्लू और दूसरा वायर ग्रीन में लगाएंगे, रीडिंग आएगा क्या, 700 to 900, याद रखें। और यहाँ पे समझने की कोशिश करें, बाइक का रीडिंग अलग रहेगा, स्कूटर का रीडिंग अलग रहेगा। बाइक का कितना रहेगा वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, यहाँ स्कूटर का 700 to 900 ओहम का। चलिए दिखाते हैं आपको लगा के दो वायर। परफेक्ट रिजल्ट देने के लिए एक वायर इसके येल्लो प्लस इस पर हम ले लेंगे और दूसरा वायर इसके ग्रीन वाले वायर पे, दूसरा वायर इसके ग्रीन वाले पे डालेंगे और रीडिंग आपका डायरेक्ट मल्टीमीटर पे रहेगा। ये देखिए, ये है परफेक्ट रीडिंग, 700 to 900 रीडिंग आपका होना चाहिए इसके CKP को परफेक्ट होने के लिए, वो रीडिंग आपको साफ दिख रहा है।
तो रीडिंग क्या देखा, 700 to 900। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, वायरिंग डायग्राम, क्योंकि अगर आप सारे कलर कोड पे एक एक वायर करके लगा दीजिए कहीं पे भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास पीडीएफ रहा तो आप तुरंत पता कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे जो है ब्लू प्लस येल्लो और ये ग्रीन, दो वायर में जब लगाएंगे तो हमें पता चलेगा इसके अंदर। ये रीडिंग अगर आपका आ रहा है सीकेपी में तो समझ लीजिए कि आपका सीकेपी सेंसर एकदम बेस्ट है, इसमें कोई खराबी नहीं है। अब टेस्टिंग प्रोसेस को आपको आगे ले जाना होगा। अभी हम लोग चेक कर रहे थे इसके मैग्नेट साइड, तो मैग्नेट साइड जब इसके सीकेपी को चेक करें उसी के साथ साथ इसके लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल को जरूर से ज़रूर चेक करें। अब देखें यहाँ पे जो कपलर दिया हुआ है इसके चार्जिंग और इसके स्टार्टिंग के लिए दिया हुआ है, यानी एसीजी स्टार्टर और लाइटिंग के लिए कम्प्लीट काम करता है। और यहाँ से एक रेड प्लस ब्लैक कलर का वायर जो गया है इससे बैटरी हमारी गाड़ी की चार्ज होती है। चलिए इस कपलर को हम ओपन करते हैं या फिर आप यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ भी आपको दिखा देते हैं कि ये जो हमारा कपलर है ये हमारे मैग्नेट साइड से आता है। ये देखें अब इसे टेस्ट कैसे करना है और मल्टीमीटर कहां लगाना है वो मैं आपको बताता हूं। ये हमारा कपलर कहां से आया, मैग्नेट साइड से आया। और अभी आप यहां पे नोटिस करने वाली बात ये समझें कि अभी जब मैंने इसके सीकेपी को चेक किया तो कहां पे लगाया, 2000 ओहम पे, बट जब इसके स्टार्टिंग और लाइटिंग कॉइल को चेक करेंगे तो कहां पे लगाएंगे, 200 ओहम पे, पहले यहाँ दूसरे स्टेप में यहाँ। रीडिंग क्या आएगा, 0.20 ओहम से लेकर 0.05 ओहम का। बट ये आप याद रखें कि इंजन आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी रिकमेंडेड बताया जाता है वो आपकी गाड़ी का इंजन 20 डिग्री सेल्सियस यानी मात्र जो है 20 डिग्री तापमान में आपका इंजन होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो रीडिंग में आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। इसके टेस्टिंग के लिए सबसे पहले पिन वन यहाँ पे रेड प्लस ब्लू पे डालेंगे और पिन टू को इसके इस जगह पे टच करेंगे तो जो रीडिंग कंपनी रिकमेंडेड बताया जाता है वो वहाँ पे शो करेगा। तो देखें सटीक रीडिंग बता रहा है 0.5 से 0.20 होना चाहिए। इसके जस्ट अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वही सेम रीडिंग। अगर ये स्टेप आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसके अंदर टेस्टिंग लैंप या इंडिकेटर बल्ब का भी उपयोग करके चेक कर सकते हैं। अगर बल्ब जला तो लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल सही है, बल्ब नहीं जला तो लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल खराब है। तो मैग्नेट साइड से जो कन्फ्यूजन था सीकेपी और इसके लाइटिंग चार्जिंग को लेकर वो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं इसके ECM को, आउटपुट और इनपुट को कैसे चेक किया जाता है। अब सबसे पहले चेक करना होता है इसके ECM के इनपुट कि ECM को वर्क करने के लिए जो 12 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। वो किस वायर में मिलेगा, यहाँ पे रेड प्लस वाइट वाले वायर में। इसे चेक कैसे करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट पे लेंगे और ये चेक करेंगे कि ECM को वर्क करने के लिए 12 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है कि नहीं। मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव प्रूव है यहाँ पे ब्लैक प्लस वाइट पे लिए हैं। अब नेगेटिव को कहीं से हम इसके बॉडी अर्थ से ग्राउंड प्रोवाइड कर देंगे तो रीडिंग क्या देखने को मिलेगा, हमें 12 वोल्ट की सप्लाई इसके इनपुट आ रहा है। अब ये भी तो हो सकता है कि हमारी गाड़ी का ECU ही खराब हो गया हो, जो हमारी गाड़ी का करंट नहीं आ रहा है। अब ECU खराब है या सही इसको चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए जब ECU को इनपुट मिल रहा हो और ये आउटपुट ना भेज रहा हो, जब आप समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का ECU खराब हो चुका है। अब आउटपुट ये कहाँ कहाँ पे भेजेगा, तो फ्यूल पंप को यही चलाएगा क्योंकि 3 फेस है, साथ ही साथ HT कॉइल को करंट भेजेगा, इसके TPS, TMAP और इसके इंजेक्टर सारी जगह पे वोल्टेज जो भेजेगा ये भेजेगा। अब चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके इग्निशन ऑन करने के बाद फ्यूल पंप के पास सप्लाई जाता है कि नहीं, समझने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे रेड प्लस वाइट वाले में करंट 12 वोल्ट आ रहा है और यहाँ से HT कॉइल के पास नहीं जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा ECU खराब हो चुका है। चलिए और आगे ले चलते हैं, पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब आपके पास गाड़ी आएगी। कुछ ही सेकंड में आप जो है समझ जाइएगा कहाँ से प्रॉब्लम है और कुछ सोल्यूशन आप आसानी से इसका निकाल लीजिएगा। ECM से डायरेक्ट जो सप्लाई आता है इसके HT कॉइल को आता है। अब देखें HT कॉइल के अगर नीचे देखा जाए तो दो वायर है, एक है इसका सिग्नल और दूसरा है जो 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा। अब इसमें कौन सा 12 वोल्ट का है, कौन सा सिग्नल का, चलिए आपको हम टेस्टिंग प्रोसेस बताते हैं। और कैसे सिग्नल मिलता है, कब सिग्नल मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे मैकेनिक भाई आके फंसते हैं। बताते हैं कि HT कॉइल के पास 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है बट उसके बाद भी हमारी गाड़ी में करंट नहीं है, तो कहाँ पे गलती होती है जो 12 वोल्ट आने के बाद भी गाड़ी में करंट नहीं होता है। चलिए वो बताते हैं, वो दिक्कत होता है सिग्नल वाले वायर में क्योंकि ECM वहां से इस HT कॉइल को सिग्नल नहीं भेज पाता है क्योंकि उस कंडीशन में हमारी गाड़ी के CKP में एरर होता है। चलिए इसके टेस्टिंग प्रोसेस बताते हैं।
अब देखिए इसके मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे जब लगाएं, एक पॉजिटिव प्रोब यहाँ पे इस वाले पे लगाएंगे और दूसरा कहीं से ग्राउंड देंगे। अब पता क्या चल रहा, देखिए एचटी कॉइल को वर्क करने के लिए 12 वोल्ट का जो आना चाहिए वोल्टेज वो परफेक्ट आ रहा है। अब जस्ट इसके बगल में अगर देखें तो यहाँ पे सिग्नल का वायर है, तो इसके अंदर भी सेम वोल्टेज आएगा, बट काफ़ी समय इसके अंदर वोल्टेज नहीं दिखता है। तो कैसे आपको चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे इसके अंदर मैं लगाऊंगा इसको, इस तरह से लगा दिया। अब जब इसके अंदर सेल्फ का उपयोग करेंगे तो इसका वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा, 2 वोल्ट तक आ जाना चाहिए, जब आप समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी में जो है सिग्नल ECM भेज रहा है। चलिए अभी आपको हम सेल्फ का उपयोग करके दिखाते हैं। जब यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रहा हो, जब आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर को बीप वाले मोड पे लगाना है और ये देखना है कि यहाँ से जो ECM तक वायर जा रहा है वो बीच में कहीं से कटा तो नहीं। अगर कटा होगा तो बीप नहीं बजेगा, अगर नहीं कटा रहेगा तो आपस में ज्वाइन होने के बाद बीप का साउंड आएगा, और इसके कॉन्टिन्यूटी का अलग से वीडियो मैंने बना रखा है। ये सारे स्टेप जब आप यूज कीजिएगा तो 100% आपका करंट का सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर कभी कभार होता है कि सोल्यूशन नहीं मिलता है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो मेन रिले दिया हुआ है इसे ओपन करना है। ये सिल्वर कलर का मेन रिले है, कंपनी फिटेड है, काफ़ी टाइट है। चलिए हम इसे ओपन करते हैं और इसे मल्टीमीटर से भी चेक कर लेना होता है, क्योंकि काफ़ी समय ये ख़राब हो जाता है, जो ECM को यहाँ से ये वोल्टेज नहीं भेजता है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और आपको इसकी टेस्टिंग बताते हैं। खुल जा भाई, ये रिले है। अब इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 200 ओम पे लगा देना है और इस यहाँ पे स्टील वाले पे और दूसरे स्टील वाले पे टच करेंगे और रीडिंग 155 होना चाहिए। रीडिंग अभी फ्लक्चुएट, तो रीडिंग देख पा रहे हैं आपको मल्टीमीटर के ऊपर दिख रहा है। ये देखिए इसके दो प्रोब को मैंने टच करके रखा है, और इस तरह से आप सारे स्टेप का उपयोग करके कंप्लीट टेस्टिंग कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ हमारा ख़राब है और करंट की एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ से। मैंने A to Z स्टेप बताया इसके CKP से लेकर ST कॉइल तक। उम्मीद करते इस वीडियो से आपको हेल्पफुल जानकारियाँ एंड सीखने लायक चीज़ें मिली होंगी। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल चल रहा है कि कौन से नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए, क्या आपको परेशानी ज़्यादा होती है, उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर बनाया जा सके। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।